प्रेस क्लब में कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से रिवायती अफ्तार डिनर का इनेकाद। सेनेट में कायदे हिजब इख्तलाफ शीरी रहमान, एमक्यूएम सरबरा फारूक सत्तार, चेयरमैन महाजर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद और मेयर कराची वसीम अख्तर समेत मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात समेत सहाफियों की बड़ी तादाद ने इफ्तार डिनर में शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शीरी रहमान का कहना था कि इलेक्शन का इनेकाद बरवक्त चाहते हैं, मफरूजों पर बात नहीं की जानी चाहिए। पीपल्स पार्टी का इसमें बहुत वाजे और दो टोक मौकफ है कि हम बरवक्त इलेक्शन करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसमें कोई ताखीर ना हो। जो दूसरे बहुत से बीच में जो अगर किसी असेंबली के तहफ़ात हों वो एक मीटिंग में दूर किए जा सकते हैं। सरबरा MQMPIB फारूक सत्तार ने कहा कि सियासी जमातों को अपना अमल कानूनी और जमहूरी बनाना होगा। मर्दमशुमारी ना होने से हल्का बंदियां मुतासिर हुई जो इंतखाबात से कबल धान ली है। 5% की सैंपल दोबारा मर्दमशुमारी होनी थी, वो नहीं हुई। थर्ड पार्टी ऑडिट या वेरिफिकेशन, तो उसके ना होने से हमारी हल्का बंदियां बहुत मुतासर हुई हैं। अफ्तार डिनर में जनरल सेक्रेटरी पाक सरजमीन पार्टी रजा हारून, मुस्लिम लीग फंक्शनल की रहनुमा नुसरत सहार अब्बासी, पीपल्स पार्टी के सेनेटर अनवर लाल डीन, सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह समेत सियासी मजहबी और समाजी शख्सियात के साथ साथ मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद और TV चैनल्स और अखबार से मुंसलिक सहाफियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ बिलाल अहमद, न्यू न्यूज़ कराची।